हिंसा मामले में पुलिस पर पत्थर और पेट्रोल बम चलाने वाले आरोपी सहित तीन बवालियों की जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है। फिलहाल तीनों जेल में हैं। आपको बता दें कि दो आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज से की गई थी, तो वहीं विशेष लोक अभियोजक पंकज त्रिपाठी और एडीजीसी दिनेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि नई सड़क हिंसा में लगातार सुनवाई हो रही है। वहीं मुख्य आरोपी दलेरपुरवा निवासी रहमान अली की जमानत की अर्जी लगाई गई थी, तो वहीं इसको पुलिस ने पत्थर और पेट्रोल बम फेंकने का आरोपित माना था। बेगमगंज निवासी अली जुल रहमान और रायपुरवा निवासी विक्की उर्फ आसिफ को बाद में फुटेज के आधार पर आरोपी बनाया गया था। दोनों पत्थर चलाते नजर आ रहे थे। वहीं तीनों की करीब 9 जमानत अर्जियां लगी थी, सभी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। फिलहाल तीनों को जेल में बंद रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।